बीकर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, अच्छा, कंटेनिंग सम वाटर. फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स शुड बी ड्रॉप इनटू द बीकर सो डेट द वाटर लेवल इज राइज बाई 5.6 सेंटीमीटर. देखिए क्या कह रहा है कि मार्बल्स को डाला जा रहा है, ठीक है ना जी. एक सिलेंड्रिकल बीकर है उसमें जिसका डायमीटर दिया हुआ कितना, 1.4 सेंटीमीटर. देखिए इस तरह का, या एक बीकर है सिलेंड्रिकल जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे कितना, 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी. इसमें क्या किया जा रहा है, मार्बल्स को डाला जा रहा है. तो मार्बल्स डाला जाता है जिसका डायमीटर है ऐसे 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर. इसका रेडियस 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो जब इसमें ये मार्बल्स डाला जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी पहले से कुछ था, पहले से था, लेकिन अब क्या हो रहा है, पानी कुछ पहले से था लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब इसमें कुछ मार्बल्स को डाला जा रहा है तो इसका हाइट जो है ना, पहले मान लीजिए पानी यहां तक था, अब ये बढ़कर यहां से इतना राइज हो जा रहा है, मतलब कि यहां से ये यहां राइज हो जा रहा है, जो कि कितना, 5.6 सेंटीमीटर. तो कितना इसमें मार्बल डाला गया है ये हमें पता करना है. चलिए हम लोग लिखते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का रेडियस क्या है भाई, डायमीटर का हाफ, यानी कि आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है. अच्छा, और हाइट ऑफ द वॉटर लेवल राइज्ड, वॉटर लेवल राइज्ड, वॉटर लेवल सॉरी राइज्ड, वो क्या है, एच ले लेते हैं जो कि है 5.6 सेंटीमीटर. अच्छा, रेडियस ऑफ मार्बल, मार्बल्स का रेडियस दिया हुआ है आपके पास, तो डायमीटर का हाफ 1.4/2 सेंटीमीटर, तो 0.7 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ मार्बल निकालना है, नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज्ड, जो वाटर राइज्ड हुआ है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल, एक मार्बल के वॉल्यूम में से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, एक मार्बल के वॉल्यूम में से डिवाइड कर देंगे. चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेवल राइज जो हुआ है उसके लिए पाई आर का स्क्वायर और इंटू में राइज वाटर लेवल का हाइट जो मैंने लिखा है, और ये मार्बल स्पेयर वाला हो जाएगा ना जी, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 πr³. चलिए अब इसके बाद देखिए, पाई से पाई कैंसिल, इस 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू है 7/2 यानी कि 3.5, 3.5, और एच कितना है उसका, 5.6 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आपका देखिए 4 है और आर क्यूब वही आपका 0.7, 0.7, 0.7, 3 बार इंटू कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब. ये इससे कैंसिल, ये देखिए इससे काट सकते हैं 5 टाइम्स में, ये इससे काट सकते हैं 5 टाइम्स में, अच्छा, और यहाँ पे इससे हम लोग काट सकते हैं 8 टाइम्स में, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा. तो अब कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 = 50, और 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा, तो 150 नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे. तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे. आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा. पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन. तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.